वेलकम बैक। मुंबई में समंदर किनारे होने वाले जानलेवा हादसों से क्या कोई सबक लिया जा रहा है, इसी का सच तलाशने आज इंडिया टीवी के दो रिपोर्टर्स अलग अलग बीच पर गए, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो हैरान करने वाली है। समंदर की लहरें उफान मार रही है, फिर भी कुछ लोग उफनती लहरों में तैर रहे हैं। कोई समंदर किनारे सेल्फी ले रहा है, कुछ बच्चे उफनते समंदर के किनारे जाल बिछाकर मछलियां दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ जोड़े बिल्कुल समंदर के पास अपने में ही खोए हुए हैं, और वो भी तब जबकि कल ही जुहू बीच में समंदर में तैरने की कोशिश में 5 लड़के डूब गए, जिनमें से 2 की दर्दनाक मौत हो गई। इंडिया टीवी ने आज मुंबई के अलग अलग बीच का रियलिटी चेक किया, ये जानने के लिए कि क्या समंदर किनारे ऐसे हादसों से कोई सबक लिया जा रहा है या नहीं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या हैं। मुंबई के समंदर अब जानलेवा होते जा रहे हैं। सैलानी और पर्यटक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो बाहर से आते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हाई टाइड और लो टाइड का समय क्या होगा, और उससे बड़ी चुनौती है अगर बात की जाए मुंबई के अलग अलग बीच की, तो अक्सा बीच सबसे खतरनाक माना जाता है। न सिर्फ अक्सा बीच बल्कि मुंबई के ज़्यादातर बीच पर ऐसी ही सूरत है। सुविधाओं का आलम यह है कि संकट के वक्त जो ज़रूरी सुविधाएं चाहिए वो यहाँ है ही नहीं। अब इस वर्सोवा बीच को ही देख लीजिए, न यहाँ वॉच टावर है न लाइफ गार्ड, फ्लड लाइट्स भी जितनी जरूरत है उतनी नहीं है। यहाँ पर अगर लाइफ गार्ड